हरे कृष्णा भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा क्या नाम है आपका? प्रभु जी मेरा नाम चिंतन है। आप बहुत चिंता में दिख रहे हैं। हाँ प्रभु जी, क्या हुआ? प्रभु जी एक्चुअल में कॉलेज स्टूडेंट हूँ, स्ट्रेस आता है पढ़ाई का थोड़ा। अच्छा। फैमिली में भी यंग हो गया हो तो फैमिली वाले भी चिंता करते हैं। अभी आपने गीता सुना है गीता के बारे में, भगवत गीता? हाँ प्रभु जी सुना तो हूँ। अच्छा पढ़ना चाहेंगे भगवत गीता को? प्रभु जी समय नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ये। एक चीज़ बताऊँ आपको मैं? हाँ प्रभु जी। आप इतना जीवन में चिंता करते हो, लेकिन देखो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। देखो उसका तो पैर भी टूटा हुआ है, खाने के लिए दो टाइम का खाना नहीं है, उनके पास अच्छे पहनने का कपड़े भी नहीं है, उनका हेल्थ भी कैसा? देखो आप तो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे घराने से लगते हैं, अच्छा खाना पीना भी खाते होंगे। हाँ प्रभु जी। कहाँ पे रहते हैं आप? प्रभु जी इधर ही चीरा बाजार में रहते हैं। अच्छा जगह पे रहते हो आप। हाँ। पास में रहते हो तो आपको इतना टेंशन क्यों है लाइफ में, जब आपके पास, आप अगर तुलना करोगे कि आपके पास कितना कुछ भगवान ने दिया हुआ है तो उसकी तुलना में आप देखेंगे तो आप बहुत खुश हैं। तो खुश रहना चाहिए ज़िंदगी में, ग्रेटफुल रहना चाहिए, भगवान ने हमको इतना कुछ दिया हुआ है जब इतना उनके पास नहीं है। आपको मैं गीता का एक श्लोक सुन के दिखाता हूँ, सुंदर सा श्लोक है ये। भगवद्गीता में दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, देखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायन अनित्य स्थान प्रतीक्षो भारत। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, क्योंकि अर्जुन को भी चिंता था, उनको भी काफ़ी स्ट्रेस आ गया था। तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। कभी आपके जीवन में पहले सुख भी आया होगा ना? हाँ बिल्कुल। तो वो आके चला गया ना, अभी दुख आया है तो वो भी चला जाएगा। आपने उत्तर दिया। हाँ। तो उससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए, आपका जो अभी कर्तव्य है उसे पूरा करना चाहिए। हाँ अभी अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो आपका आने वाला भविष्य दुखमय बनेगा। अभी आप स्टूडेंट है या फिर कोई बिजनेसमैन रहेगा या फिर किसी का जो भी पेशा रहेगा, उसको अभी प्रेजेंट टाइम में अपना कर्तव्य करेंगे तो आने वाला फ्यूचर अच्छा बनेगा, बराबर। तो अभी ये सब स्ट्रेस आया, चिंता आया, ऐसे चिंता में बने रहोगे तो आपका आने वाला भविष्य और चिंता में चला जाएगा। इसलिए गीता हमको ये बहुत सुंदर उपदेश दे रही है कि अभी अपना कर्तव्य करो ताकि आपका आगे का भविष्य अच्छा होगा। तो ये भगवद गीता है मेरे लिए प्रभु जी। यस आपके लिए, कृपया लीजिए इसको, आप पढ़िए। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप गीता को अगर पढ़ेंगे और उसके उद्देश्य को पालन करेंगे तो 100% आपके जीवन से तनाव दूर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में मंदिर भी है, राधा गोपीनाथ मंदिर। तो हरे कृष्णा, देखिए आपको दिखाता हूँ वहाँ से। हाँ। देखो एक आ रहे हैं लोग, दिख रहे हैं आपको? हाँ प्रभु। देखो कैसे चल रहे हैं वो, उनका देखो कैसा कितना तकलीफ है। आपको तो ऐसे दो पाँव भी ठीक है, मेरा भी ठीक है। हाँ। समझ रहे हैं ना आप? हाँ। मतलब हमें कितना ग्रेटफुल रहना चाहिए भगवान के। देखो उनको जहाँ भी जाते होंगे तो वहाँ वो स्टिक लेके घूमना पड़ता है, और हम लोग कैसे एकदम दो पाँव से अच्छा चल रहे, सब कुछ अपने जीवन में अच्छा है। तो थोड़ा तनाव आता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसको दूर करने के लिए गीता में बहुत सारे संदेश दिया हुआ है, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।